अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मज़र और आप देख रहे हैं मज़र के ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इधर आए हैं, मतलब हमारे जो मतलब वो गांव है ना, वो पीछे गांव है, वो गांव का स्कूल है और इधर पीछे जानवरों की कोई रेस होने वाली है। और मुझे अभी एक दोस्त की कॉल आई है कि इधर कोई रेस होने वाली है, तो आओ। मैंने तो मतलब सोचा ही नहीं था कि यहाँ तो पूरा माहौल बना। आज साढ़े पिंड के सारे तो वेले बंदे इतने यार तो फाइनली मैं इधर पहुंच गया हूँ। ये पीछे आप मेरे क्राउड देख सकते हैं, चेक करें, पूरा मतलब मेला लगा हुआ है समझ लें। और सगीर भाई मिले हैं, क्या हाल है सगीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। मज़र भाई आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, सगीर भाई ने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे ना मतलब ये हो रहा है, तो आप आ जाएं। अभी उधर से स्टार्ट होंगे जो जानवर हैं, तो फिर अभी वो पीछे बशीर हमें आवाज़ें दे रहे हैं, पास नहीं आ सकते। भैंसों की दौड़ है, भैंसों की दौड़ है जानवरों की, तो अभी हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये हमारे विलेज का है। फ्रेंड्स, मैं तो पहली बार आया हूँ ये देखने, और सगीर भाई हैं माशाल्लाह, वो देखते रहते हैं, इनसे कुछ पूछेंगे। आप बताएं इसके बारे में कुछ। बैलों का मुकाबला हो रहा है, दौड़ हो रही है उनकी, और ये ना बहुत पुराना विरसा है जी। ये बरे सगीर से आया, हमारी नस्लों में आ गया कि मुंतकल हो रहा है। ये बहुत कम रह गया है, लेकिन है ये बहुत आवाम माशाल्लाह आज आई हुई है भाई। इसका क्या फ़ायदा है, मतलब ये जैसे इसका कोई फ़ायदा क्या है, मतलब इससे क्या होता है? ये लोग अपने अपने अपना अपना शौक रखते हैं, उन्होंने उनको शौक है, उन्होंने वो बैलों की रेस लगवाते हैं। उन्होंने अपने अपने बैल बहुत अच्छे माशाल्लाह उनकी। जब एक बैल जीत जाता है, वो जीतने वाले को क्या फायदा होता है और हारने वाले को क्या फायदा होता है? फिलहाल एक बैल जीतने वाले को तो कुछ नहीं मिलता। सही है, उनकी अपनी अपनी टीम है, 8-8 बैल है। सही है, जो ज्यादा विन करेंगे वो टीम जीत जाएगी। सही है, थैंक यू सो मच इसगीर भाई। कोई मसला नहीं। और बाकी आप ये चेक कर सकते हैं, बशीर साहब भी खड़े हैं, ये हमारे गांव के दोनों अजमल और दानी भी खड़े हैं। देखिए ये दानी कहाँ से आपको दानी लगते हैं, वो पीछे मतलब पूरा मेला लगा हुआ है समझ लें आप। मेले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। वो पीछे आ जाओ, पीछे ये वाला जो है ब्लैक वाला, ये अभी जीत गया है, तो ये इसलिए वजह से मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है, वो उधर से आते हैं बैल, ये हमारे गांव के जो लोग हैं वो दोस्त, वो चेक करें एसएचओ साहब खड़े हुए हैं। नहीं, आपको बोलना नहीं है। क्राउड चेक करें, वो उधर वो दोनों मेरे ख्याल से एक जीत गया और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आवाम चेक करें। फ्रेंड्स, अभी मैं इधर बैठा हूँ, मेरे सामने पूरा क्राउड ही क्राउड है, लोग दूर दूर से आते हैं अपने मवेशी लेके, बैल लेके, और यहाँ पे उनकी रेस होती है। और हमारे विलेज से भी जो मैंने अभी वाइट कलर का था, वो हमारे विलेज से था, और आई थिंक वो विन भी कर गया है। तो क्योंकि मैं आगे नहीं गया, आगे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, और अभी मैं इधर पीछे खड़ा हूँ, उधर दोस्त खड़े हुए हैं, और अभी जो न्यू रेस होगी वो भी आपको दिखाते हैं। और मेरे पास अभी ड्रोन नहीं है कि मैं ड्रोन शूट ले लेता, तो मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है। सगीर भाई ने कॉल की थी, वरना मैंने तो आना ही नहीं था, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, कि हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। पैसे दे रहे हैं, टीम यार कोई नहीं आई, फिर इस वक्त इधर मेला लगा, मेले के कितने नो सही है। सुर्खी लिखी है गल पर, सारे उन्हें वेख के अपना करते हैं बस। हाँ, इसको जोर होता है, हम इतना नहीं होंगे ना।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਮੀਡੀਆ फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि अभी ये जो कैसे सजा के इनको लाते हैं और अभी वापस जा रहे हैं क्योंकि रेस ख़त्म हो चुकी है और अपने अपने जानवरों को ये मतलब जो गाड़ियों में लेके आए थे, दूर दूर से लोग इधर आए हुए थे और अभी गाड़ियों में वापस डाल के उन्हें ले जा रहे हैं क्योंकि अभी रेस ख़त्म हो चुकी है और बहुत ही मज़ा आया हम सब को। तो फ्रेंड्स, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मतलब क्राउड बहुत कम हो गया है और यहाँ पे मतलब बैलों की रेस हो रही थी और मेरे फ्रेंड्स भी कुछ मिल गए गांव के, अदरवाइज़ के मैं थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ अपने काम में, मतलब काम किया, यूट्यूब ऑन कर ली, घर आ गया और मैं अदरवाइज़ कहीं जाता आता नहीं हूँ। तो आज मैं इधर मसलन आया हुआ था, इधर मुझे शगीर भाई ने कॉल की, बशीर भाई भी मिले हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलवाया है कि मतलब आप आ जाएँ इधर, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैंने कहा यार वीडियो भी बना लेते हैं अगर मैं आ रहा हूँ तो। ये आप मेरे पीछे क्राउड चेक कर सकते हैं कि कितना क्राउड है और मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं और अपने भाइयों को बता देते हैं। ये ऐसे मतलब जैसे एक बंदे का होता है ना शौक़ कि वो क्रिकेट कर रहा है, जैसे मेरा शौक़ है व्लॉगिंग करना, ठीक है, तो हर बंदे का अपना शौक़ होता है। तो यहाँ पे मतलब जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड विरसे के हैं, मतलब जिनको शौक़ है, मतलब वो बैलों की रेस रखते हैं, ये बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, दूर दूर गाँव से लोग आए हुए हैं, वो यहाँ पर अपने जो हैं बैलों की रेस लगाते हैं, जो बैल जीत जाए उसके सर पर फिर पगड़ी बांधते हैं और मतलब एक जैसे क्रिकेट का मैच होता है, एक टीम उधर की होती है कि इधर की होती है, इनका भी ऐसा ही सिस्टम होता है। तो दो जो होती हैं मतलब दो टीमें होती हैं, एक बैल दूसरे को होता है, एक दूसरे को होता है, दो रस्ते वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दो रस्ते बने हुए हैं, दो रस्तों से बैल आते हैं, ठीक है, वो बैल भागते हैं, फिर जो जीत जाता है वो एक बंदा होता है इधर, वो फैसला करता है उसका कि भाई ये चीज़ ये वाला बैल जीत गया, तो फिर उधर मतलब ढोल बजाते हैं और डांस वगैरह थोड़ा थोड़ा सा करते हैं, झूमर कहते हैं उसको हमारी मतलब सरेकी में। तो फिर उसके बाद उसके पगड़ी बांधते हैं, वो चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाता है, ऐसे ही करके मतलब काफ़ी जो हैं बैल इधर भगाते हैं और अपना शौक़ पूरा करते हैं। बस यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।